नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती रियाज गुरु चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे ताल आप सीख चुके हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक लर्निंग प्रोसेस में हैं, बेसिक के लिए बहुत सारे ताल मैंने दिया है, दादरा, कहरवा, त्रिताल, जापताल, एकताल। और अगर आप लोग एडवांस लेवल पे हैं, मतलब आप में से कोई एडवांस लेवल पे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे ताल मैंने दिए हैं, झूमरा, तिलवाड़ा, आड़ा चौताल, सुलताल, बहुत सारे ताल आपको मैंने सिखाया है। आज जो ताल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ या सिखाने वाली हूँ, वो ताल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। वो है भजनी ताल, भजन ताल भी बोल सकते हैं, भजन का ठेका भी बोल सकते हैं। नाम से ही आपको पता चल गया है कि ये भजन में प्रयोग होता है। ऐसा भी नहीं है कि इसका नाम भजन ठेका है या भजनी है तो ये सिर्फ भजन में बसता है। ये बहुत सारे दूसरे संगीत के जो फॉर्म है, गीत के जो प्रकार है, उसमें भी बसता है। कुछ गज़ल भी है जिसमें भजन ठेका बसता है, कुछ फिल्मी गाने हैं जिसमें भजन ठेका बसता है, और कुछ ठुमरी वगैरह भी है जिसमें भजन ठेका बजाया जाता है कुछ पोर्शन। क्योंकि इसका जो बोल है ना, वो बहुत रिदमिक है और ज़्यादा काउंट का माथा पच्ची नहीं है, बहुत सिंपल इसके बोल है और इसके मात्राएं हैं। चलिए देख लेते हैं इस ताल में क्या मात्राएं हैं। सिंपल सा कहरवा का मात्रा है। एक्चुअली ये जो ताल है ना, ये कहरवा ताल ही है। आप इसको कहरवा ताल के प्रकार भी बोल सकते हैं। कई लोग कहरवा ताल में इस तरीके का बोल बजाते हैं और वो कुछ हद तक कहरवा में ही आता है। तो कहरवा ताल क्या है? 8 मात्रा का ताल है, 2 खंड है, हर खंड में 4-4 मात्राएं हैं, 1 में ताली, 5 में खाली। पर भजन के ठेके में कुछ लोग खाली को नहीं मानते हैं, वो 4-4 बीट ही मानते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसके काउंट्स। काउंट्स बिल्कुल कहरवा जैसे हैं, एकदम 4-4 का खंड। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 हो गया, बहुत सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं इसके बोल क्या है। देखिए बोल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आपने देखा होगा कि एक एस जैसे है, एस एस जैसे, मतलब उसको अवग्रह कहते हैं, मतलब उसमें एक पॉज है। वो पॉज ही इस ताल का खूबी है। जो पॉज आपको मिलेगा और वो जो पॉज है उसको आपको उस तरीके से बोलना है, धिन्ना धिन दीना, धिन्ना तीन तीना, धिन्ना धिन दीना, धिन्ना तीन तीना। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, धिन्ना धिन दीना, तीन्ना धिन दीना, मतलब पांचवी मात्रा में कुछ लोग तीन बोलते हैं। लेकिन ये भी मतलब एक प्रकार है, धिन्ना धिन दीना, धिन्ना तीन तीना। अब देखिए धिन्ना धिन दीना, ये जो है ना धिन्ना, धिन्ना नहीं है, धिन्ना धिन दीना नहीं है, धिन्ना। तो ये जो इन बोल रहे हैं ना, ये इसका अवग्रह है। ये जो बोल है इसको बार बार करके हम बोलते हैं तो अपने जुबान पे चढ़ जाता है। इसके लिए आप इतना काउंट में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए हूबहू ताल को 10 बार, 12 बार, 15 बार बोल दीजिए तो आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। फिर आपको कहाँ पर इन है, कहाँ पर अवग्रह है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मेरे साथ आप बोलिए 5 बार, धिन्ना धिन धीना, धिन्ना तीन तीना, 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 धिन। ठीक है, ताली खाली भी ऐसा है, धिन्ना धिन धीना, धिन्ना तीन तीना, धिन्ना धिन धीना, धिन्ना तीन तीना, धिन्ना धिन धीना, धिन्ना तीन तीना, धिन।
अब देख लेते हैं हमारे तबला के साथ। तो आपने देखा किस तरीके से ये अवग्रह के साथ, एक पॉज के साथ बहुत मीठे तरीके से इस बोल को बोला जा सकता है और इसके साथ गाया जा सकता है। आप अगर बहुत कॉमन सॉन्ग्स कुछ लेते हैं, जैसे अच्युतम केशवम या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे बहुत सारे जो कहरवा के ठेका है, जिसमें कहरवा बसता है, अगर उसमें आप भजन के ठेके भी बजाएंगे या बजवाएंगे या आप उसके साथ गाएंगे तो बहुत मज़ा आ जाता है। मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसे ही फन के लिए जो त्रिताल है उसको भी मैं कभी कभी भजन के ठेके में गवाती हूँ, क्योंकि त्रिताल थोड़ा सा लंबा ताल है, थोड़ा सिंसियर ताल है, थोड़ा सीरियस ताल है, तो उसको थोड़ा लाइट मूड के बनाने के लिए मैं उसको भजन के ठेके में गाती हूँ, भजन के ठेके में गवाती हूँ। तो आप देखना एक लाइट मूड आ जाता है, एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी मूड आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपको बहुत काम में आएगा। अगर आपको इन तालों के अलावा कुछ और सीखना है तो मुझे आप कमेंट करिए। हालांकि मैं कोई भी ताल छोड़ने वाली में से नहीं हूँ, लेकिन तो भी अगर एक आध छूट जाए और आपको पता ना चले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सभी ताल सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने सारे ताल को इकट्ठा करके रखा है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप सेव कर लेंगे और फर्दर आपको उसके अभ्यास करना है, आपको बाद में उसका अभ्यास करना है, वो भी आप कर सकते हैं, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मुझे मोटिवेट भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।